बंगाल दौरे से पहले टीएमसी में भगदड़, भागम भाग, 48 घंटे में 3 विधायकों के इस्तीफे। यही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक सेल में जो महासचिव हैं बिरुल इस्लाम, कबीरुल इस्लाम, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और साथ ही अमित शाह का दौरा भी है 2 दिवसीय। इसके अलावा तकरार जो है अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर भी है। इन तमाम मुद्दों पर और बंगाल चुनाव पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, इस वक्त मेरे साथ दिलीप घोष, जो कि लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप घोष जी, जी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 48 घंटे में 3 विधायकों का इस्तीफा आप लोग करा रहे हैं तोड़फोड़ सर, टीएमसी कह रही है? हाँ, टीएमसी तो बोलने वाले, क्योंकि उनकी पार्टी छोड़कर कोई चला जाता है उसकी जिम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं है। और आज नहीं है, लोकसभा चुनाव के पहले ही कई लोग आए हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़कर बैठ गए हैं चुपचाप। उनके 3 सिटिंग एमपी उस समय रिजाइन करके हमारी पार्टी ज्वाइन किए थे, आज हमारे नेता है। और बाद में भी कई 10-12 एमएलए छोड़ चुके हैं, और जिस पार्टी सत्ता में है बहुमत के साथ, उस पार्टी को छोड़ के कोई नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए चला जाए तो दूसरों को कैसे जिम्मेदारी समझ सकते हैं? उनकी पार्टी में कोई गड़बड़ है? सच में उस पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कार्यकर्ताओं कोई सम्मान है, ना कोई अधिकार है, केवल कर्मचारी जैसे उनके साथ चीट किया जाता है। आज उनको मौका मिला तो पार्टी छोड़ रहे हैं। कितने छोड़ेंगे सर? ये तो मालूम नहीं है, शायद लास्ट में बुआ और बहुआ ही रह जाए, बाकी सब चले जाएंगे पार्टी छोड़कर। अच्छा, ये हालत हो सकती है, मतलब आने वाले दिनों में और इस्तीफे संभव हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके लीडर्स, उसमें कोई बीजेपी का नाम कहीं पर नहीं है। उनकी पार्टी के जो हाईकमान है उनके बारे में, पार्टी की अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, पार्टी में सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है काम करने का, इस प्रकार स्टेटमेंट आ रहा है। और दम घुटने वाला स्थिति है, वहां परिस्थिति है, इससे लोग निजात पाने के लिए, वहां से मुक्ति पाने के लिए लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है? अब लेना है, अगर है कोई हमारे पार्टी में आएगा तो उसको जरूर ले लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टी लोग बदलते हैं, और हर साल हर बार चुनाव में हर प्रदेश में कुछ अदला बदली होती है। और जो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा के साथ बंगाल का विकास के लिए काम करना चाहते हैं तो उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन उनके इस्तीफों के पीछे बीजेपी नहीं है? पार्टी से कोई अगर इस्तीफा, एक मंत्री इस्तीफा दे दे, हमारा तो उतना बहुमत नहीं कि हम सरकार बना लें। अभी हमारे 2 एमपी और 3 एमएलए थे, उस समय से पार्टी में लोग आ रहे हैं, बीजेपी उस समय कोई पिक्चर में था ही नहीं लोकसभा चुनाव के पहले। आज हमारे 18 सांसद है, 40% से ऊपर हमारी वोट है। कोई चाहे तो जी भाजपा बंगाल में परिवर्तन कर सकता है, विकास कर सकता है, इस प्रकार विश्वास लेकर आएगा, हम कैसे मना कर सकते हैं? और उसके लिए जो पार्टी से आ रहे हैं वो जिम्मेदार है, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल कर नहीं रख सकते हैं। कौन कौन आ रहा है सर? शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता, जितेंद्र तिवारी, सब ये लोग पार्टी छोड़ चुके हैं जी। लेकिन बीजेपी में कौन आएगा जब तक नहीं झंडा पकड़ते तब तक बोलना मुश्किल है, समय लगेगा थोड़ा सा, समय लगेगा थोड़ा। लेकिन आप लोग आपकी तरह से दरवाजे खुले हैं? हम पहले से दरवाजे खोल के बैठे हैं बंगाल की विकास के लिए और परिवर्तन के लिए। भाजपा पूरा भरपूर प्रयास कर रही है, पार्टी के राष्ट्रीय नेता लगातार यहाँ आके समझ रहे हैं। माननीय गृहमंत्री जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 6-6 साल तक लगातार बंगाल के पार्टी को उन्होंने सींचा है और पूरा पार्टी को खड़ा करने में मदद की। आज लाखों कार्यकर्ता दिन रात एक करके परिश्रम कर रहे हैं, 132 कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है और लगभग 28-29 हज़ार केसेस हम लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर फॉल्स केस लगाया गया है। इसके बावजूद भी पार्टी आगे बढ़ रही है और लोग हमारे पार्टी के साथ आ रहे हैं। दिलीप घोष जी, आपने कहा 132 कार्यकर्ताओं की हत्या, बार बार गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि ये शहादत है, कार्यकर्ताओं की शहादत है और ये श्रद्धांजलि जो है जब सरकार बनेगी तो दी जाएगी। वहीं ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल कराना जिन्होंने खुद अटैक किया, बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि आसनसोल से जो जितेंद्र तिवारी आते हैं वो तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, वो बीजेपी में शामिल हो जनता नहीं चाहेगी। देखिए, जो शासन यहाँ चल रहा है वो शासन का नीति है हिंसा, सत्ता में रहने के लिए हिंसा को अपना पॉलिसी बना चुके हैं, लोकतंत्र का गला घोट दिए हैं। यहाँ पंचायत चुनाव और लोकल बॉडी का चुनाव नहीं हो पाता है, नॉमिनेशन नहीं भर पाते, इसमें किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाना ठीक नहीं है। जबकि ममता बनर्जी पार्टी के आलाकमान है, आम चुनाव में पिछले बार उन्होंने बोला कि 294 सीटों में मैं ही कैंडिडेट हूँ, मुझे वोट दीजिए, तो जिम्मेदारी उनकी है, उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। आज के पहले भी जो लोग हमारे पार्टी में आए हैं वो पार्टी के विचारधारा के साथ मिलकर हमारे कार्य पद्धति के अनुसार काम कर रहे हैं।
और सफलता के साथ काम करें। इसलिए लोकतंत्र में कोई भी पार्टी बदल सकता है, छोड़ सकता है, किसी पार्टी में आ सकता है। हमको लगा कि हमारे काम के साथ चल सकते हैं तो हम स्वीकार करेंगे और किए भी, और उसका फल भी हमको मिला है। नहीं नहीं मतलब दिलीप घोष जी, मतलब विचारधारा को लेकर ऐसा कोई वैचारिक विरोध नहीं है, मतलब क्योंकि टीएमसी नेताओं को ही, इन नेताओं को जब वो टीएमसी में थे तो सबसे ज्यादा अटैक और गाली दी जाती थी, अब वो आ रहे हैं तो वो सारे दाग धुल जाएंगे सबके सर। नहीं, ये बात उनको साबित करना पड़ेगा कि वो कैसा है, कहाँ से हैं, किस विचारधारा के साथ। हमारे विचारधारा का प्रतिनिधि के साथ कोई चल सकता है तो हम उसको स्वीकार जरूर करेंगे। देश में हर व्यक्ति का अपना ढंग का राजनीति करने का, पार्टी में जाने का, पार्टी बनाने का अधिकार है। हम उनको मौका देते हैं, अब वो अपना सुधारें और इस पार्टी विचारधारा के साथ चलें तो ठीक है। उस पार्टी में थे मतलब सारे लोग खराब है, बदमाश है, सब लोग खूनी, ऐसा नहीं। उन्होंने खुद डंडा लेकर तो हमको नहीं मारा है, उन्होंने इस शासन का प्रयोग किया, शासन का एक भाग थे। आज मजबूरी में उस पार्टी में रह रहे थे, मौका मिला, विकल्प मिला तो आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं फिर ये कहा जाएगा कि सबको शामिल कर लेंगे तो बागियों के भरोसे चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, हर प्रदेश में ऐसा होता है, जिस पार्टी का जीतने का संभावना होता है उस पार्टी में लोग आते हैं। और कई प्रदेशों में हमने इस प्रकार जीता भी है, कई लोगों को साथ में लिया भी है और सफलतापूर्वक सरकार काम कर रही है, सम्मान के साथ और काम कर रही है। वो लोग भी उस सरकार का भागीदार भी है। ठीक है, तो मतलब बागियों के भरोसे आप लोग चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन दीदी ये भी कह रही हैं कि आप लोग संघीय ढांचे को भी तोड़ रहे हैं, अधिकारियों पर, राज्य के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, डीजीपी मुख्य सचिव को समन कर रहे हैं, दिल्ली बुला रहे हैं, आप संघीय ढांचे को तोड़ रहे हैं। आईएएस आईपीएस केंद्र का कैडर होते हैं, वो यहाँ काम करते हैं, जब जरूरत पड़ता है केंद्र उसको बुलाता है इनकी सहमति से। लेकिन एक बार इन्होंने हर बात में विरोध करते हैं, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी तो उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं जाते, विरोध करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि जो पिछड़ा जिला है उसका डीएम को बुलाते हैं विकास की चर्चा के लिए, उसमें भी नहीं जाते हैं। हर बात में विरोध करना इनकी काम है और बंगाल को पीछे लेके जा रहे हैं। ये जो सिस्टम के साथ चल रही सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो ये कैसे चल सकता है लोकतंत्र में? और ये संघीय ढांचा में, संघीय ढांचा को अमान्य करने वाली एक सरकार है जो प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर भी यहाँ बाहर ही बोलता है, तो उसको कैसे उनकी बात पर यकीन करेंगे? वो ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, बार बार नेताओं की तरफ से अब नरोत्तम मिश्रा ने भी कह दिया राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव संभव है ऐसे हालात में? नहीं, देखिए बीजेपी वैचारिक दृष्टि से कभी कहीं पर ना लगाया 356 और ना तो हम उसको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ के हालात आप सोचिए, एक देश के सबसे बड़ा पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी सुरक्षा नहीं है। उनका गुनाह क्या था? वो एक जिला में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे थे, रास्ते में हजारों लोगों को जमावड़ा करके, रास्ता रोक करके, सारे गाड़ियों को तोड़ना। वो अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं होते तो उनका भी जान उस दिन खतरे में होता। चार चार राष्ट्रीय नेता आहत हुए, आपके साथ जो मीडिया के गाड़ी भी कहीं तोड़ा गया, 10-12 हमारे गाड़ियों को तोड़ा गया, जान बचा के भागना पड़ा, पुलिस के सामने हुआ, तो आप कैसे बोल सकते कानून व्यवस्था है? इसीलिए स्वाभाविक रूप से लोगों को लग रहा है कि इस सरकार के देखरेख में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। किसी को लग रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, किसी को लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन चाहिए, और ये सारी बात केंद्र सरकार की निगरानी में है। यहाँ के राज्यपाल महोदय बार बार रिपोर्ट भी भेज चुके हैं और हम भी होम मिनिस्टर से लेकर सबको चिट्ठी लिखे हैं। मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस और राष्ट्रपति शासन में ही निष्पक्ष चुनाव संभव है, यही लोगों की उम्मीद है, क्योंकि 2011 में ममता बनर्जी ने जब सरकार बनाई है उस चुनाव में भी पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा निष्पक्ष चुनाव हुआ था। इसलिए लोगों की ये उम्मीद है कि जब पैरामिलिट्री फोर्स सफिशियंट आएगा और बूथ को संभालेगा तब आम आदमी पोलिंग कर सकता है। तो चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन संभव है? जो व्यवस्था है संविधान के अंदर उसके आधार पर होगा, कोई ऐसा नहीं है। जिन जिन को लग रहा है कि ये स्थिति बिगड़ रही है और कानून व्यवस्था नहीं है इसलिए राष्ट्रपति शासन चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, तो डिमांड हो रही है। हमारी पार्टी, हम लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव लड़के सत्ता परिवर्तन करने का पक्ष में है। कितनी सीटें? आखिरी सवाल। नहीं देखिए, हमारे नेता ने, माननीय अमित भाई और बाकी लोगों ने बोला था 50% सीट चाहिए पार्लियामेंट में, 21 सीट का टारगेट था, हम 18 जीता है। और हमारे स्लोगान था 19 में हाफ और 21 में साफ। अभी उन्होंने 200 सीट हमको टारगेट दिया है, हमारे कार्यकर्ता जी जान लगाए हैं, हम 200 क्यों, 201 करेंगे, 199 सीट नहीं होगा। अच्छा, 19 में हाफ और 21 में साफ, बिल्कुल, और वो यहाँ के लोगों ने करके दिखाया है और बाकी भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, बड़े नेता, आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।